गोयल के रैन सैफी बिग बॉस के इस सीजन में वाइल्ड कार्ड एंट्री लेने वाले हैं। आप सभी को पता होगा कुछ दिनों पहले बिग बॉस के घर में जब वाइल्ड कार्ड को लेकर डिस्कशन हो रहा था तब अरमान मलिक ने बताया था कि वाइल्ड कार्ड एंट्री में राउंड गोयल के रैन सैफी आ सकते हैं। तो कल फिर से लाइव फीड में सभी घर वाले वाइल्ड कार्ड को लेकर डिस्कस कर रहे थे तब अरमान मलिक फिर से कहते हैं कि इस बार वाइल्ड कार्ड बहुत ही ज्यादा पॉपुलर आने वाला है और कटारिया से ये कहते हैं कि मुझे सोर्स के हिसाब से पता चला था कि राउंड गोयल में से कोई एक आने वाला है। जिस पर मुनीषा कहती है कि ये राउंड गोयल कौन है तो अरमान मलिक कहते हैं अरे कटारिया जानता है उन्हें, तीन बंदे जो कॉमेडी करते हैं, अगर उनमें से एक वाइल्ड कार्ड में आ गया तो पूरा गेम पलट जाएगा क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा फेमस हैं और वो ये भी कहते हैं कि वो पहले से सब कुछ देख कर आएगा कि कौन कितनी हवा में है। तो इस पर कटारिया कहते हैं अरे जो भी आए सब बढ़िया है, वाइल्ड कार्ड का जीतना इतना आसान नहीं है। बाकी अरमान मलिक की इन बातों से घर वालों को थोड़ा डर लग रहा है कि वाइल्ड कार्ड अगर जीत के ना चला जाए और अगर सही में राउंड 12 के जैन सैफी ने बिग बॉस में वाइल्ड कार्ड एंट्री ले ली तो एलविश आर्मी और राउंड 12 के फैंस के बीच में तगड़ा कॉम्पिटिशन देखने को मिलेगा। वैसे अभी बाहर के सोर्स के से जैन सैफी की एंट्री को लेकर कोई कंफर्मेशन नहीं है। बाकी आप सबको क्या लगता है कि जैन सैफी को बिग बॉस के घर में वाइल्ड कार्ड एंट्री लेकर आना चाहिए, ये मुझे कमेंट में जरूर बताना। और अगर आप लोग मेरी वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब याद से कर देना।